अस्सलाम वालेकुम गाइस, पाकिस्तान एमसीक्यू ऑफिशियल के साथ मैं हूं आपको तालिब हुसैन। आज की इस वीडियो में हम जो है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स में जो जॉब्स आए हुए हैं उनकी जो है सिलेबस के हवाले से डिस्कस करेंगे, जिसमें ख़ास तौर पर जो है असिस्टेंट मिनिस्टर, यूडीसी, डेटा एंट्री ऑपरेटर और एलडीसी की सिलेबस जो है इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। असिस्टेंट और यूडीसी की सिलेबस की अगर बात करें तो ये बेसिकली जो है दोनों जो है सेम है, इसकी जो है सिलेबस भी जो है सेम है, मगर इसमें जो है टफनेस के लेवल जो है लेवल ऑफ नॉलेज जो है थोड़ा सा असिस्टेंट में थोड़ा सा मुश्किल होगा और यूडीसी में थोड़ा सा जो है बनिस्बत जो है ईजी होंगे, मगर इसकी जो है मेन सिलेबस जो है बेसिकली दोनों का जो है सेम है। अब अगर इंग्लिश की बात करें तो इसमें जो है 60 मार्क्स का इंग्लिश आएंगे और जनरल नॉलेज जो है 40 मार्क्स का आएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम ये डिस्कस करते हैं इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें आ सकते हैं, जनरल नॉलेज में जो है क्या क्या चीज़ें आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। इंग्लिश जो है बेसिकली जो है बीए लेवल का जो है इंग्लिश यहाँ पर जो है असिस्टेंट की उसमें आएंगे, और अगर यूडीसी की बात करें तो इंग्लिश जो है एफए लेवल या एफएससी लेवल का जो है इंटरमीडिएट लेवल का जो है इंग्लिश आएंगे। अब इसमें जो है हमारे पास ग्रामर आएंगे तकरीबन जो है 20 मार्क्स का, और पंक्चुएशन जो है 5 मार्क्स का आएंगे, रीडिंग कम्प्रिहेंशन जो है 10 मार्क्स के होंगे, सिनोनिम जो है 5 मार्क्स के होंगे और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग जो है 10 मार्क्स के होंगे। अगर ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में आपने जो है सबसे पहली चीज़ जो है पार्ट ऑफ स्पीच जो है कवर करना है, टेंसेस कवर करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है आपने जो है कवर करना है, और एक्टिव वाइज पैसिव वाइज जो है यहाँ पे ग्रामर के अंदर जो है आपने कवर करना है। इसके अलावा जो है पंक्चुएशन में जो है इसमें जो आपने चीज़ें देखना है कि कैसे जो है इसमें किसी भी सेंटेंस पैराग्राफ के अंदर जो है फुल स्टॉप कहाँ पर आएंगे, क्वेश्चन मार्क कहाँ पर आएंगे, कॉमा कहाँ पर आएंगे, सेमी कॉलन, ये सारी चीज़ें जो है आप एक दफ़ा पंक्चुएशन की सारी चीज़ें जो है रूल जो है पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको कवर होगी। रीडिंग कम्प्रहेंशन जो है 10 मार्क्स के होंगे। रीडिंग कम्प्रहेंशन में ये होंगे आपको जो है आपके पास जो है पैराग्राफ्स होंगे, उस पैराग्राफ को आपने पढ़ना है और नीचे जो है उसके कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे उसको जो है आपने वहाँ पे सॉल्व करना है। और इसके अलावा जो है सिनोनिम्स सिमिलर मीनिंग जिसमें जो है 5 मार्क्स का जो है सिनोनिम्स आएंगे, और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग जिसमें जो है आपको सेंटेंस दिया होगा उसको जो है करेक्ट फॉर्म जो है आपने जो है वहाँ पर एमसीक्यूज होंगे उसमें जो है मार्क करना है। इसके अलावा जो है जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज में जो है हिस्ट्री के जो है तकरीबन जो है 10 मार्क्स होंगे, और कंप्यूटर जो है 20 मार्क्स होंगे, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है 10 मार्क्स होंगे। हिस्ट्री के अगर बात करें तो हिस्ट्री में जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री होंगे, सब कंटिनेंट्स की हिस्ट्री होंगे जिसमें आप 1857 से लेकर जो है 1947 तक के जितने भी इवेंट्स हुए हैं वो आप कवर करना है, और 1947 से लेकर जो है रिसेंट 2020 तक के जो है इवेंट्स आपने यहाँ पे कवर करना है। इसके अलावा अगर थोड़ा सा आपने और देखना है तो 712 से लेकर जब से जो है मुस्लिम जो है सब कॉन्टिनेंट में आए हैं वहाँ से लेकर 712 से लेकर जो है 1857 तक की चीज़ें भी कवर कर सकते हैं। कंप्यूटर जो है 20 मार्क्स का होंगे, तो इसमें जो है कंप्यूटर के रिलेटेड एमएस ऑफिस, एक्सेल और पावर पॉइंट के हवाले से आपने जो है चीज़ें कवर करना है। और इसके अलावा जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो है 10 मार्क्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से जो है चीज़ें आएंगी। डेटा एंट्री ऑपरेटर के जो है सिलेबस के अगर हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें जो है दो पोर्शन होंगे, एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट मार्क्स होंगे और दूसरा जो है जनरल सब्जेक्ट मार्क्स।
प्रोफेशनल सब्जेक्ट मार्क्स जो है तकरीबन 50 मार्क्स का होंगे ये प्रोफेशनल सब्जेक्ट जो है, और जनरल सब्जेक्ट जो है ये 50 मार्क्स होंगे। अब प्रोफेशनल सब्जेक्ट जो है तकरीबन 50 मार्क्स है, तो इसमें जो है सबसे पहली चीज़ जो है फिज़िक्स जो है आएंगे 10 मार्क्स, और मैथमेटिक्स की जो है 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक्स और 10 मार्क्स के होंगे, और स्टेटिस्टिक्स इसमें जो है 20 मार्क्स होंगे, क्योंकि ये जो है ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के हवाले से है, तो यहाँ पे जो है स्टेटिस्टिक का पोर्शन जो है तो ज़्यादा किया हुआ है, तो यहाँ पे तकरीबन 20 मार्क्स का जो है स्टेटिस्टिक्स, और 30 मार्क्स जो है उन्होंने जो है टाइपिंग को दिया हुआ है, तो आपने जो है टाइपिंग की भी जो है प्रैक्टिस करना है। तो डेटा इंटरप्रेटर में जो है 10,000 की डिप्रेशन जो है टाइपिंग है, तो ये तकरीबन जो है 40 वर्ड्स पर मिनट जो है आपकी जो है स्पीड कम से कम जो है होना चाहिए। जनरल सब्जेक्ट की अगर बात करें तो जो है इसमें इंग्लिश आएंगे, इंग्लिश जो है बीए लेवल का होगा डेटा एंट्री ऑपरेटर में, तो ये प्रोफेशनल टेस्ट भी तकरीबन जो है इंटरमीडिएट और बीए लेवल का जो है वहाँ पर चीज़ें होंगे। इंग्लिश में जो है ग्रामर आ सकता है, ग्रामर जो हमने ऊपर जो सारी चीज़ें डिस्कस किया है जिसमें टेंसेस, पार्ट ऑफ स्पीच टेंसेस, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ सकते हैं। इसके अलावा जो है जो कि 10 मार्क्स होंगे, और पंक्चुएशन यहाँ पे जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर में जो है 4 मार्क्स होंगे, और रीडिंग कंप्रहेंशन तकरीबन जो है 6 मार्क्स को होंगे। इसके अलावा जो है जनरल सब्जेक्ट में जो है इंग्लिश और ये चीज़ें तकरीबन 20 मार्क्स होंगे। इसके बाद लोअर डिवीजन कलर के जो है सिलेबस की अगर बात करें तो इसमें भी जो है दो पोर्शन उन्होंने बनाए हुए हैं, एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट जो कि 60 मार्क्स होंगे, जनरल सब्जेक्ट जो है 40 मार्क्स को होंगे। प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स में जो है आपके पास कंप्यूटर जो है 20 मार्क्स होंगे, एलडीसी में जो है कंप्यूटर के रिलेटेड जो है एमसीक्यू जो है 20 मार्क्स होंगे, तो इसमें जो है आपने कंप्यूटर में एमएस ऑफिस में जो है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और बास ऑफ जो है एमएस एक्सिस के भी चीज़ें जो है इसमें आ सकते हैं। इसके अलावा जो है जितने भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के हवाले से आपने सारी इंफॉर्मेशन रखना है, और फादर ऑफ कंप्यूटर्स जिसमें जो है फादर ऑफ इंटरनेट्स हो गया, इस टाइप के सारी चीज़ें, और माइक्रोसॉफ्ट हो गया, और जितने भी कंप्यूटर मैन्युफैक्चर कंपनी सेवन की जो है सीईओ के हवाले से भी जो आपको सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे टाइपिंग होंगे, टाइपिंग जो है एलडीसी में जो है 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी जो है टाइपिंग होना चाहिए मिनिमम जो है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है जितना ज़्यादा हो उतना जो है आपको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ये जो है तकरीबन 30 मार्क्स का जो है टाइपिंग है और 30 मार्क्स कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के हवाले से आपने सारी चीज़ें जो है ख़ास तौर पर जो है कवर करना है। और जनरल सब्जेक्ट में जो है ग्रामर जो है 40 मार्क्स होंगे, जिसमें ग्रामर, और ग्रामर में हमने सारी चीज़ें डिस्कस किया ऊपर जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर और असिस्टेंट में, तो वो आप देख सकते हैं। और पंक्चुएशन होंगे इसमें, रीडिंग कंप्रहेंशन होंगे, सिनोनिम एंटोनिम्स होंगे, और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग के जो है क्वेश्चंस हो सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।